भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्यमय से कर्दम और देवहूति का विवाह। देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामंद होकर संसार सागर में डूबने के लिए ग्रस्त आश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कर्दम का विवाह हो गया। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्वी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र नाम के ऋषि हुए हैं। षड् शास्त्रों में उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, जो आज भी प्रख्यात हैं। वे सारा दिन तपस्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 बरस गुजर गए, किंतु वे ये भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष तक साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिन वे ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला हो चला था, अतः ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता था। उनकी पत्नी दिए की लौ बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? विवाह हुए 36 बरस बीत चुके थे, फिर भी वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय होंगे वे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था वो याद है? वाचस्पति ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था। मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वाचस्पति के मन में प्रकाश जागा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनंत हैं। तेरी इच्छा क्या है? पत्नी भामति ने कहा, नाथ मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते हुए ही मेरी मृत्यु हो। वाचस्पति का हृदय भर आया। पत्नी से और एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वाचस्पति, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामति, इस दासी को सब भामति कहते हैं। वाचस्पति, मैं शांकार भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूँ उसका नाम मैं भामति टीका रखूंगा। आज भी वाचस्पति की वो टीका भामति टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारत वर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमी को ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी कर्दम देवहूति ने 12 वर्ष तक, वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। कर्दम जीवात्मा है और देवहूति बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिन कर्दम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। ये देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी कुछ वरदान मांगो। तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहले पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वो तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। ये सुनकर कर्दम बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने पर संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दें। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वो भोगों का मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है।
मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वो रोगी हो जाएगा। कर्दम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उसका शरीर बदल गया। कर्दम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों उस पर बैठ गए। शांत और करुण रस प्रधान है, श्रृंगार रस और हास्य रस गौण है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषय के प्रति आरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, ये लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति आरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि न हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंध में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी न हुआ। फिर 9 कन्याओं के पिता के घर कपिल है, जिसकी 9 पुत्रियां होती हैं, उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ है नवाधा भक्ति। नवाधा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ कहें तो कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अकल ठिकाने आ जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। नवाधा भक्ति के न होने पर कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। ये 9 अंग नवाधा भक्ति में आते हैं। नवाधा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तर अवस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की भक्ति भक्ति है। जिसकी नवाधा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। सात्विक दृष्टि के अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले है और फिर है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए। एक दिन कर्दम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत ही हो जाना चाहिए। वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता। अतः कर्दम ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवहूति ने कहा कि मैं भी त्याग चाहती हूं। विवाह का अर्थ है तन दो, किंतु मन तो एक ही है। देवहूति बोली, नाथ आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र को जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक नहीं हो ही नहीं पाया है। फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिए, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कर्दम देवहूति ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादि देव कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वो बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए आतुर होता है, तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेगा।